और अब अयोध्या से खबर लेते हैं, जहां पर गर्मी का सितम जो है वो लगातार जारी है। सूर्य भगवान आकाश से आग बरसा रहे हैं, ऐसे में इंसान हो या भगवान, सबको गर्मी सता रही है। भगवान रामलला को गर्मी से निजात दिलाने के लिए अब उनके पोशाक में भी बदलाव किया गया है। रामलला के पोशाक में मलमल और कॉटन कपड़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि पोशाक गर्मी के लिहाज से आरामदायक और सुकून देने वाला हो। पोशाक में मलमल का खास तौर से प्रयोग हो रहा है और मलमल पे मलमल कॉटन पर जो तमाम हमारी जो इंडियन टेक्सटाइल्स हैं, जो इंडियन क्राफ्ट्स हैं, उनको इस्तेमाल करके भगवान की इन पोशाक को सजाया जा रहा है। चाहे वो कलमकारी हो और कलमकारी हो, चाहे वो पोशम पल्ली हो आपकी तेलंगाना आंध्रा की, चाहे वो बंदेज और बांधनी हो भुज से हो, चाहे वो राजस्थान से हो, या फिर वो शिबोरी हो जो हमारे पास उत्तराखंड से आ रही है, या हमारे पास में वो चिकनकारी हो जिसपे फाइन काम किया हुआ, धागे का काम किया हो, ये तमाम हल्के मलमल और कॉटन के वस्त्र से ही प्रयोग करके प्रभु की पोशाक को तैयार किया जाए। गर्मी का सितम सबाब पर है, आसमान से भगवान सूर्य आग बरसा रहे हैं, 45 डिग्री से ऊपर तापमान पहुंच चुका है। ऐसे में भगवान रामलला के अब वस्त्रों को लेकर के भी बदलाव किया गया है। भगवान रामलला के वस्त्रों में आंध्र और तेलंगाना के साथ साथ राजस्थान भुज और उत्तराखंड के मलमल और सूती वस्त्रों को शामिल किया गया है, ताकि भगवान को गर्मी से निजात मिल सके। और एग्जिट पोल का नंबर फिलहाल बीजेपी के फेवर में है, लेकिन सियासी फीवर कांग्रेस पर चढ़ चुका है। विपक्ष के नेता एग्जिट पोल को गलत बता रहे हैं और 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बना रहे हैं, लेकिन इन सबसे इतर मोदी अपने अगले कार्यक्रम की तैयारी भी शुरू कर चुके हैं। मोदी अगले 100 दिनों का रोड मैप तैयार कर रहे हैं, जिसमें बड़े और चौंकाने वाले फैसले करने वाले हैं। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। क्या सच में 400 पार का नारा पूरा होने वाला है? अब लिख के रखिए मेरे देशवासियों, हिंदुस्तान ने मन बना लिया है कि इस बार एनडीए 400 पार करने वाला है। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, जहां कहीं भी आप जाएंगे तो आपको एक ही नारा सुनाई देगा, एक ही स्वर आपको सुनाई देगा, आम जनमानस के मन में एक ही संकल्प दिखाई देगा, और वह है कि फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। क्या सच में राहुल को 40 और अखिलेश को सिर्फ 4 सीट मिलने वाली है? राहुल बाबा, आपकी पार्टी को 40 भी पार करना नहीं है, मेरी बात याद रखें। और अखिलेश बाबू, कितना भी आपके प्रति सहानुभूति से मैं बात करूं, आपका 4 भी पार नहीं होना है, 4 भी। क्योंकि एग्जिट पोल के बाद ही प्रधानमंत्री तीसरे कार्यकाल की तैयारी शुरू कर चुके हैं, अगले 100 दिन के एजेंडे पर मंथन कर चुके हैं, अगले 100 दिन के लिए खाका तैयार हो चुका है। अगले 100 दिनों में कठिन फैसले लिए जाएंगे, सरकार की प्राथमिकता की रूपरेखा तैयार हो चुकी है। जो नंबर मोदी सरकार ने चुनाव से पहले दिए थे, करीब करीब वही नंबर एग्जिट पोल में भी सामने आ रहे हैं। ऐसे में जहां पीएम मोदी अगले 100 दिनों का खाका तैयार कर रहे हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन एक दिन पहले ही 4 जून को लेकर बैठक कर चुका है। इंडिया गठबंधन कम से कम 295 सीटें प्लस, 295 से ज्यादा आएंगे, कम तो नहीं आएंगे, ये हमने आकलन किया कि सभी हमारे नेताओं से पूछने के बाद ये एक आंकड़ा हमारे पास मिला है और इस आंकड़े में कोई बदलाव नहीं है।
कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेता 295 सीट का दावा कर रहे हैं, तो बीजेपी के नेता एक बार फिर मोदी सरकार और 400 पार का भरोसा दे रहे हैं। हम सबकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को 370 से ज्यादा सीटें देंगे और एनडीए 400 पार करेगी। इस विश्वास के साथ मैं भारत के इस लोकतंत्र के चुनाव में भाग लेने वाले सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। पलट जाएंगी और इंडिया गठबंधन पीडीए की लड़नी सबसे ज्यादा सीटें जीतेगी। भूचाल आने वाला है? भूचाल नहीं आएगा, भूचाल तो पहले ही था, बेरोजगारी का भूचाल था, महंगाई का भूचाल था, आपकी जीएसटी की मार का भूचाल था, सीबीआई का भूचाल था, ईडी का भूचाल था, इनकम टैक्स का भूचाल था, ये सब भूचाल खत्म हो जाएगा। क्यूटो में भी चुनाव फंस गया। एक तरफ विपक्ष एग्जिट पोल के आंकड़ों में उलझा है, तो वहीं माना जा रहा है कि देश की राजनीति में 4 जून के बाद कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि पीएम मोदी ने 2 दिन पहले ही इसके संकेत दे दिए थे। 4 जून के बाद अगले 6 महीने में देश में बहुत बड़ा राजनीतिक भूचाल आने वाला है। ये परिवारवादी पार्टियां अपने आप बिखर जाएगी। नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाता है कि वो बेहद चौंकाने वाले फैसले करते हैं, जबकि नरेंद्र मोदी कहते हैं कि देश जिन फैसलों पर चौंकता है उसके संकेत वो काफी पहले से देना शुरू कर देते हैं। इसलिए अगर मोदी कहते हैं कि अगले 6 महीने में राजनीतिक भूचाल आने वाला है, तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, वो भी तब जब एग्जिट पोल के आंकड़े मोदी के पक्ष में हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और खबर सोनभद्र से लेते हैं, जहां पर गिट्टी लदा ट्रक बेकाबू होकर 20 सड़क पर पलटा है। इस हादसे में ट्रक ड्राइवर घायल हो गया है, स्थानीय लोगों ने उसे जिला अस्पताल पहुंचाया है। घटना की जानकारी मिलते ही सड़क टोल कंपनी के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और सड़क पर फैले गिट्टी को हटाने में जुट गए। रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र की एक घटना है, जहां पर आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से यह हादसा हुआ। यहां पर ट्रक बेकाबू होकर 20 सड़क पर पलट गई। हादसे में ट्रक ड्राइवर घायल हुआ है, स्थानीय लोगों ने उसे जिला अस्पताल फिलहाल पहुंचा दिया है। घटना की जानकारी मिलते ही सड़क टोल कंपनी के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और सड़क पर फैली गिट्टी को हटाने के काम में लग गए। और गोरखपुर में सीएम योगी ने भगवान गोरक्षनाथ की पूजा अर्चना की। सीएम योगी ने नाथ संप्रदाय के गुरुओं की समाधि पर माथा टेका और मंदिर परिसर में मौजूद अन्य देवी देवताओं की प्रतिमा की पूजा अर्चना की। इसके बाद सीएम ने गौ सेवा की। उन्होंने गौशाला में जाकर गायों को रोटी खिलाई, गुड़ खिलाया। सीएम योगी ने बच्चों से भी बात की और उन्हें भी दुलार किया। तो ये खूबसूरत तस्वीरें आई हैं, किस तरह से पहुंचे गोरक्षनाथ पीठ, गोरक्षनाथ का आशीर्वाद लिया, बाकी गुरुओं का आशीर्वाद लिया, गौ सेवा की और फिर बच्चों से भी मुलाकात की।